महाराष्ट्र में सख्ती की गई है। और आज वर्ल्ड ईवी डे है। भारत समेत दुनिया भर में ईवी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत में मौजूद टॉप 5 सबसे सस्ती ईवी कारें। देखिए खास रिपोर्ट। भारत में ईवी का मार्केट अभी इवॉल्व हो ही रहा है, लेकिन आपके लिए हम लेकर आए हैं 5 बेस्ट और बजट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कारें। भारत में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है टाटा टिगोर। 26 किलोवाट की बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ये 74 BHP का पावर और 170 NM का टॉर्क डिलीवर करती है। रेगुलर 15 एम्पियर AC चार्जर से ये 8.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, लेकिन फास्ट चार्जर से वक्त लगता है सिर्फ 60 मिनट। फुल चार्ज पर ये 306 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है और इसकी कीमत है 12 से 13 लाख रुपए के बीच। महिंद्रा की ई वेरिटो भी यहाँ पर एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। इसमें है 21.2 किलोवाट बैटरी के साथ 41.5 BHP की पावर और 91 NM को टॉर्क देने वाली मोटर मौजूद है। फास्ट चार्जर से ये 90 मिनट और कन्वेंशनल 15 एम्पियर AC चार्जर से 11 घंटे में फुल चार्ज लेती है। इसकी रेंज 140 किलोमीटर है और इसकी कीमत है 13 लाख रुपए। तीसरी कार है टाटा नेक्सॉन ईवी, जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 30 किलोवाट बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ये कार 127 BHP की पावर और 245 NM जनरेट करती है। फास्ट चार्जर से ये 60 मिनट और कन्वेंशनल AC चार्जर से 8 घंटे में फुल चार्ज होती है। इसकी रेंज है 312 किलोमीटर और कीमत है 14 से 17 लाख रुपए के बीच। अगली कार है मॉरिस गैराज की ZS EV। इसमें आपको 44.5 किलोवाट की बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो 142 BHP की पावर और 353 NM को टॉर्क डिलीवर करती है। ये फास्ट चार्जर से 60 मिनट और कन्वेंशनल AC चार्जर से 16 से 18 घंटे लेती है। इसकी रेंज है 419 किलोमीटर और कीमत है 21 से 24 लाख रुपए के बीच। पांचवा ऑप्शन है हुंडई की कोना इलेक्ट्रिक, जो भारत की पहली ईवी भी है। इसमें मौजूद है 39 किलोवाट बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर 134 BHP की पावर और 395 NM को टॉर्क पैदा करते हैं। फास्ट चार्जर से ये 60 मिनट और कन्वेंशनल AC चार्जर से 16 से 14 घंटे लेती है। इसकी रेंज है 450 किलोमीटर और कीमत है 24 लाख रुपए। दीपाली राणा, दिल्ली। और अब बात आपके काम की।